हमें दुआ करेंगे। एसएसपी साहब के हमारे यहाँ तमाम जितने हमारे सरकारी अहदेदारान बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज है, ये तमाम मसाइल हल करके काम करके हम किसी के ऊपर कोई न सरकार के ऊपर न आपकी ज़ात के ऊपर न किसी और के ऊपर एहसान करते हैं, इस चीज़ के हम करता लेते हैं और ये हमारा फ़र्ज है। मेरी और एसएसपी साहब की एक पॉलिसी होती है कि जो मसला हम मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं और हल निकाल सकते हैं उसके लिए हम मैसेज करते हैं, कॉल नहीं करते। जो मसला हम कॉल करके हल कर सकते हैं उसके लिए हम मीटिंग नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज से, एक वॉइस नोट से या एक कॉल से हल हो सकती हैं, क्योंकि मिलना एट टाइम्स मुमकिन नहीं होता। मुझे कल भी कुछ हजरात के मैसेज आ रहे थे, मुझे यहाँ पर नहीं पहचानता, उन्होंने मुझे कहा था कि मुलाकात का टाइम नहीं, मुझे पता था कि मैंने ये आज जुम्मे के दिन मीटिंग रखी हुई तो मुलाकात का टाइम नहीं कर सके। तो अल्टीमेट जो हमारा मकसद है वो मसाइल का हल है, चाहे वो मैसेज के जरिए हो सके, चाहे वो फ़ोन के जरिए हो सके, चाहे वो मुलाकात के जरिए हो सके। मैं तमाम जो है वो हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त को उन्होंने निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं तमाम अहदेदारान जो सरकारी मुलाजमीन हम यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम अफसरान को, तमाम ऑफिशल्स को इस चीज़ की तंबीह भी कर दूँ और याद दहानी करा दूँ कि ये सरकारी नौकरी, ये काम हमारा फ़र्ज़ है और इसको हम जहाँ निशानी से सर अंजाम देंगे, और बतौर मुसलमान ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत सेलिब्रेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।